देखे कई चेहरे जहां में मगर, देखे कई चेहरे जहां में मगर, एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में अलजेब्रा का ये 11वां क्लास है। तो इससे पहले के 10 क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देखिए और एकदम जीरो से हीरो लेवल तक आप सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, अगर पेड कोर्स आप करना चाहते हैं तो धुरीना ऐप पर मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर धुरीना ऐप को चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए बढ़ाते हैं आज के इस क्लास को। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन तो बहुत देखने में हार्ड लगेगा लेकिन उतना हार्ड होता नहीं। हाँ, इसे जब आप बनाने जाएंगे, प्रोसेस से बनाएंगे तो ये हार्ड होगा। आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप अभी नहीं समझ पाते हो क्वेश्चन को देखकर कि कैसे समझें कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा, लेकिन आज इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है और क्वेश्चन देख के कैसे पता करना है कि भाई ये ऑप्शन से बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आज का सवाल जो है हमारा पहला, आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि, प्रश्न का ये कहना है कि यदि रूट अंडर 3 + x बट्टा में है, अच्छा ये पूरा बड़का बट्टा डालिए, नीचे फिर क्या है √3 + x, यहाँ प्लस है और अब कहता है कि √3 - x, यहाँ है माइनस और ये कह रहा है कि 3 - x, अब कहता है बराबर 2 हो तो, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। अब दोस्तों आप कैसे समझेंगे कि ये सवाल ऑप्शन से बने। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण दे दे और उसमें जिसका वैल्यू नहीं पता है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे x के बारे में नहीं पता है कि x कौन सी संख्या है, यहाँ पर x 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ये वेरिएबल है हमें नहीं पता, तो x बराबर क्या होगा। तो नीचे जो 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें कोई ना कोई x का ही मान होगा। जैसे इस सवाल में x का मान पूछा है तो x का मान 4 ऑप्शन में होगा। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे अब ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन है कि 5/12, ऑप्शन बी है 12/5, ऑप्शन सी है 5/7 और ऑप्शन डी है 7/5। आइए इसको चेक करने के लिए आपको मैं, हालांकि मुझे तो इसका आंसर पता है तो मैं आपका समय न गंवाते हुए केवल उसी ऑप्शन से हम आपको बता देते हैं जिस ऑप्शन से ये बनने वाला है। मान लीजिए ऑप्शन बी लेते हैं हम, आप जब चेक करिएगा तो ऐसे चेक करिएगा, बी ले लेते हैं तो बी यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये देखिए। पहली बात यहाँ देखिए 3 + अब बी का वैल्यू है 12/5, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 12 = 17, 5 × 3 = 15 और 12 = 15, 12 हो जाता है 27, 27/5, 27/5 यानी ऊपर में हो गया, कितना 27/5, यहाँ भी हो जाएगा चूँकि रूट ये पूरा पर है सॉरी, तो ये हो जाएगा 27/5, नीचे भी 27/5 हो जाएगा लीजिए। और फिर क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर 3 - x है, अगर माइनस कर दें और x की वैल्यू तो हमने लिया है 12/5, तो 5 × 3 = 15, 15 में से 12 गया तो 3/5, ये हो जाएगा 3/5 रूट के अंदर। प्लस क्या हो जाएगा नीचे सॉरी माइनस है, माइनस हो जाएगा 3/5 क्योंकि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर 12/5, तो 5 × 3 = 15, 15 में से 12 गया 3/5। दोस्तों 27 होता है 3 रूट, चूँकि 27 देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को 9 × 27, 9 × 27 यानी कि 3√3 लिख सकते हो, 3√3 लिख सकते हो, यानी 3 बाहर में आ जाएगा, 3 बाहर में आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 3/5। चलिए नीचे भी वही बात हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में बच जाएगा 3
और बट्टा पाँच, ऊपर में प्लस है, ये तो ठीक ही है, तीन बट्टा पाँच रूट के अंदर, और ये भी ठीक है तीन बट्टा पाँच रूट के अंदर। अच्छा, इन सब के बराबर कितना है? दो। इन सब के बराबर कितना है? दो। अब एक बात बताइए, एक बात, ये तीन बट्टा पाँच तीन बार यहाँ है और एक बार यहाँ, तो चार बार हो गया। कितने बार हो गया? चार बार। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो चार बार हो गया कौन? चार बार हो गया ये रूट अंडर तीन बट्टा पाँच वाला। और इधर देखिए, तीन बार है ये तीन बट्टा पाँच, यानी तीन बार है रूट तीन बट्टा पाँच, तो तीन बार में से एक बार घट जाएगा तो दो बार बचेगा। दो बार बचेगा कौन? तीन बट्टा पाँच वाला, रूट अंडर तीन बट्टा पाँच वाला। अभी इससे एक कट गया और दो से चार कट गया। अच्छा, आपको बराबर में कौन कौन था? दो, यानी इधर भी दो उधर भी दो हो गया, दो हो गया दो के बराबर। हमें एक्स का कौन सा वैल्यू लेने से? ऑप्शन बी लेने से। दोस्तों, अगर आप इसको प्रोसेस से बनाइएगा ना, तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए हम ये भी बता देते हैं कि अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। इस सवाल को प्रोसेस से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? परिमेयकरण करना होगा, यानी नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना। तो ऊपर में है रूट थ्री प्लस एक्स प्लस रूट थ्री माइनस एक्स है, चलिए इतना है ऊपर में, और नीचे में हमारे पास है कितना? रूट अंडर थ्री प्लस एक्स माइनस ये रूट अंडर थ्री माइनस एक्स। इसके चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुना करिए, यानी यहाँ चिन्ह बदल देना है, बाकी सब रहेगा। रूट थ्री प्लस एक्स, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, और फिर रूट थ्री माइनस एक्स। और नीचे में भी लिख देना है वही चीज़, रूट थ्री रूट अंडर थ्री प्लस एक्स, और इसी चिन्ह को सेम चीज़ से गुना करना है ऊपर नीचे। अब चलिए ऐसे हो गया, अब इतना को गुना करना है इतना से, और नीचे में इतना को गुना करना है इतना से। अब ऊपर में क्या हो जाएगा? इन्हीं चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चीज़ दो बार आ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? रूट थ्री प्लस एक्स और प्लस प्लस रूट अंडर थ्री माइनस एक्स, इतना का ऊपर में हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा, देखिए, इतना इंटू इतना, तो इस पूरे टर्म को ए और इस पूरे टर्म को बी कहिए, इसको ए कहिए इसको बी कहिए, तो क्या हो जाएगा? ए ए माइनस बी, माइनस यहाँ लीजिएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इतना का स्क्वायर कर लीजिए। ए स्क्वायर हो गया तो कट गया रूट, इतना का स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट कट जाएगा, तीन प्लस एक्स बच जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो तीन माइनस एक्स, और बराबर में हमारा जो दो है वो दो चलते रहेगा। आगे इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों, अब ये तो पूरा बोर्ड ही भर गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो आपको क्या करना है? ए स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और प्लस टू ए बी, तो टू ए बी ए के जगह पूरा लीजिएगा, बी के जगह पूरा लीजिएगा, नीचे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, सॉरी इसको घटा सकते हैं आप, तीन तीन ये चला जाएगा, ये तीन प्लस में, ये आएगा माइनस में, ये जीरो हो जाएगा, और एक्स है यहाँ प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टा में टू एक्स हो जाएगा। आगे इस सवाल को आप सोल्व करेंगे, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आप आगे इसको सोल्व कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक समीकरण है, और ये समीकरण जो है हमारा क्या है? फोर एक्स माइनस नौ, ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पर है 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 बराबर दिया है 5 प्लस रूट 7, तो इसका समाधान करने वाला x का वास्तविक मान क्या होगा? तो इसमें पूछ लिया है फिर x का मान क्या होगा। अब देखिए, एक समीकरण दिया गया है और इसमें जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि नीचा जो चार गो ऑप्शन होगा ना, उसी में होगा x का मान। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास है तीन बट्टा रूट सात, तीन बट्टा रूट सात है, ऑप्शन बी कहता है चार, ऑप्शन सी कहता है रूट पाँच, और ऑप्शन डी कहता है दो रूट तीन, ठीक।
तो एक काम करिए, एक्स का मान इसमें रखिए, एक्स का मान। अब सिंपल सिंपल एक बात है, देखिए दिमाग लगाइए, एक टर्म ये है, बीच में प्लस है, दूसरा टर्म ये है, यहाँ एक टर्म ये है प्लस दूसरा टर्म है, यानी पाँच तभी आएगा जब 25 होगा अंदर में, क्योंकि दो टर्म इधर भी तो दो टर्म इधर भी, एक टर्म का हल ये होगा, दूसरे टर्म का हल ये होगा, या इसका वाला ये होगा या इसका वाला ये होगा, ऐसा होगा। तो कोई ऐसा लीजिए जो 25 बना दे, यहाँ 4 चौके 16 9 25, यानी ऑप्शन बी अगर लेते हैं हम तो क्या हो जाता है, यहाँ 4 रखते हैं तो 4 चौका 16 और प्लस 9, देखिए 25 हो गया ये वाला, प्लस 4 यहाँ पर भी रखें क्योंकि x का मान मैंने 4 लिया है, 4 चौका 16, 16 में से 9 गया 7, अब बराबर क्या है 5 प्लस रूट 7 हो गया दोनों बराबर, क्योंकि ये रूट 7 है और प्लस ही 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इधर भी 5 प्लस रूट 7 है। अरे भाई इतना इतना जोड़ इतना, इतना जोड़ इतना, सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है, तो ये संतुष्ट हो जाता है समीकरण, किस कौन सी वैल्यू लेने से, ऑप्शन बी में जो है मौजूद 4 उसको लेने से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न ये कहता है कि रूट अंडर 7 - 4√3 बराबर है √3a - b, तो कहता है कि a माइनस बी का मान बताइए, जरा a माइनस बी का मान बताना है, इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए, क्योंकि सीधे a नहीं है या सीधे b नहीं है, आगे हम जरा सोल्व करें तो कोई मान हमें समझ में आए, क्योंकि केवल a का मान होता और b इसमें नहीं होता तो हम मान रखते, a का मान पूछता, तो a का मान नहीं पूछा है, पूछा है a और b का अंतर बताओ, ए और बी का अंतर बताओ, तो ए का भी मान पता होना चाहिए और बी का भी मान पता होना चाहिए, तो ऑप्शन में है नहीं। अब अगर इसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो है घातांकर्णी में ये सब चीज़ पढ़ाए हम, 7 माइनस, इसको 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं और √3 बराबर ये रहा √3a - b। अब सुनिए, 1, 2 को अंदर भेजिए, अंदर भेजिएगा तो 7 - 2√3, क्योंकि जब रूट पर रूट होता है तो अंदर वाला रूट के पीछे में एगो 2 होना चाहिए, जब रूट पर रूट हो, याद कर लीजिए, जब रूट पर रूट हो तो अंदर वाला रूट के पीछे में एक 2 होना चाहिए, तब वर्गमूल बनेगा, यानी 7 - 2√3 का अब वर्गमूल बन जाएगा। अब ये √3a - b, अब सुनिएगा वर्गमूल कैसे बनेगा, सुन लीजिए, 1, 2 को अंदर भेज देंगे, अंदर भेज देंगे तो 7 - 1, 2 जब अंदर जाएगा तो सोचिए, जब अंदर से बाहर आता है तब वर्गमूल होके, तो अंदर जाएगा वर्ग होके, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 2 × 12 बराबर क्या हो गया √3a - b। अब इसका 7 - 2√12 का वर्गमूल बनाना है, वर्गमूल बनाने का रूल ये है कि जब रूट पर रूट हो और अंदर वाला रूट के पीछे में 2 हो, तो अपना मन से 2 ऐसा संख्या सोचिए कि जोड़ने से 7 और गुणा करने से 12 हो जाए, 4 × 3 = 4 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, बड़ा वाला संख्या हमेशा पहले, छोटा वाला बाद में लिखिएगा, माइनस है तो माइनस, और टोपी पहना दीजिएगा। अब सुनिए, ये √3a - b, अब ये हो गया 2 - √3 और बराबर क्या है √3a - b। अब एक बात बताइए, √3 बुझा रहा है माइनस में, यहाँ पर a है, a के जगह अगर -1 ले लेते हैं, सोचिए a के जगह अगर -1 ले लेते हैं तो माइनस में √3 हो जाएगा, क्योंकि अगर a के जगह -1 लिख कर गुना करिएगा, √3 गुना a है तो -1 से गुना करिएगा तो -√3 हो जाएगा। आ देखिए, अब b के वैल्यू 2 होने के लिए, प्लस में 2 होने के लिए, यहाँ b माइनस में है तो b के भी वैल्यू -2 लेना होगा, तो b के वैल्यू अगर यहाँ -2 रख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी दोस्तों हमें a का मान -1 और b का मान -2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर a माइनस बी पूछा है, तो a का वैल्यू माइनस है में 1 है और माइनस, b के वैल्यू हमको पता है माइनस में 2, अब ये -1 और +2 हो जाएगा, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न ये है कि √x + 4 और प्लस है फिर √x - 4 बट्टा में हमारा है √x + 4 - √x - 4
बराबर है दो, तो एक्स का मान क्या है? फिर देख लीजिए, इसमें एक्स का मान पूछा है, ए रह सकता है, वाई रह सकता है, बी रह सकता है, उसका मान पूछ ले। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑप्शन है हमारा 2.4, ऑप्शन बी में 3.2, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। जब कहा है एक्स के मान, तो हम जानते हैं कि 4 में से कोई ना कोई एक्स के मान होगा, उसको यहाँ पर रखेंगे। कोशिश करिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बने। इसके लिए अगर हम सोचते हैं दोस्तों, यहाँ 5 रख लेते हैं, क्योंकि 4 पहले से है, तो 5 4 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी डायरेक्ट सोचते हैं, 5 रखते हैं तो 5 4 हो जाएगा 9। अब देखिए, प्लस 5 रखे, 5 में से 4 गया तो 1। अब आइए यहाँ 5 रखें, 5 4 हो गया 9, माइनस 5 रखें, 5 में से 4 गया तो √1, क्या बराबर 2 हो जाएगा? तो हाँ, ध्यान दीजिए, 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो 3 1 हो गया, ऊपर में 4, 3 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 2, बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 4 को 2 बार में काटा जाएगा, 2 बराबर 2, यानी किस ऑप्शन को लेने से? ऑप्शन डी को लेने से। तो आइए एक सवाल और लिख देते हैं, जो सवाल आपको बनाना है मैं ऑप्शन देता हूँ, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए, एक सवाल है अपने पास, एक्स प्लस √x² + x² + 1 और बट्टा में हमारा है दोस्तों एक्स माइनस √x² - 1। अच्छा, यहीं तक है ये बट्टा, फिर प्लस है, तब एक्स माइनस √x² - 1 बट्टा में एक्स प्लस √x² - 1, चलिए बराबर 34। तो पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान आपको बताना है इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि प्लस माइनस 1, ऑप्शन बी कहता है प्लस माइनस 2, ऑप्शन सी कहता है प्लस माइनस 3 और ऑप्शन डी कहता है प्लस माइनस 4। प्लस माइनस का ये मतलब है कि ये प्लस में, मान लीजिए इसको लेते हैं तो प्लस में 2 और माइनस में भी 2 लेंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, इसका ये कहना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से सही, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और हाँ, अगर पढ़ते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका जवाब। थैंक यू।